अभी रात के बजे 8 और हम लोग आए हैं फतेह सागर लेक पे। यहाँ पे पूरी चौपाटी बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। अपने आधी खा ली है, चौपाटी बनी हुई है, तो देखते हैं कौन कौन से फूड है, फूड आइटम है। यहाँ पे काफ़ी फास्ट फूड की शॉप्स और वो सब है। आके हमने पार्किंग कर दी, यहाँ पे फ्री में पार्किंग है और आधा किलोमीटर है मैक्सिमम, 300-400 मीटर से वो चल के जाना है। लेट्स सी कैसी है मार्केट। तो अगर आपको फतेह सागर लेक पे बोटिंग करनी है तो दिस इज़ द पॉइंट, नेहरू गार्डन बोटिंग पॉइंट, यहाँ पे आके आप कर सकते हो। अभी तो बंद है और ये जो बोटिंग पॉइंट है वहीं से बस ये जो खाने पीने का पूरा मार्केट है वो स्टार्ट हो जाता है। एजुकेशन यहाँ से पूरी स्टार्ट हो जाती है मार्केट और वहाँ एंड तक है, और वो ऊपर सामने करनी माता टेम्पल दिख रहा है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे खड़े थे, आई गेस इस पॉइंट पे, खड़े थे और हमने यहाँ पे कार पार्क की, पर इस बार हमने थोड़ी पीछे कार पार्क की और थोड़ा वॉक करके आए। और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, मतलब लाइट्स है और काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। लेट मी शो यू। लास्ट टाइम हम लोग थोड़े डे टाइम पे आए थे, उजाला था, रात के टाइम पे नहीं आया था, पर रात के टाइम पे माहौल कुछ अलग ही लग रहा है ना। माउंट आबू जैसा लग रहा है। हाँ, माउंट आबू जैसी फीलिंग है, माउंट आबू भीड़ है। एग्जैक्टली ऐसा ही था माउंट आबू में, मतलब यहाँ तक भी कार लेके आ सकते हैं बट पार्किंग का थोड़ा, हाँ पार्किंग का थोड़ा इशू रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे भी लोग कार पार्क करके तो घूम ही रहे। यहाँ पे मेरे सामने साई सागर, लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि वहाँ कोल्ड कॉफी अच्छी मिलती है, हम लोग गए थे, बहुत अच्छी तो शंभू से मिल जाती है, सस्ती भी और अच्छी भी, थोड़ी ज़्यादा ही हाइप है। तो अगर आप पीना चाहते हो तो आप अपने बहुत आ सकते हो, आई वुड रिकमेंड कि कहीं और ट्राई करें। पास्ता फूड है, चीज़ गार्लिक ब्रेड ऑलवेज फेवरेट। और उसके बाद क्या मंगवाने वाले हैं? फालूदा। और बस जिंदा रहना है हमको, नहीं और कुछ नहीं है। माउंट आबू में क्या खाया? अरे फालूदा बोला ना भाई, रबड़ी वही, रबड़ी फालूदा वो हम खाने वाले, तो वो भी टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा है। सो फार अच्छा है फूड, मतलब बर्गर ओके है, पास्ता बहुत अच्छा है, बाकी का देखते हैं आपको जल्दी बता दूँ। तो माउंट आबू के बाद फाइनली हमें रबड़ी मिल गई है उदयपुर में भी, वहाँ पे हॉट थी, यहाँ पे कोल्ड है, बट टेस्ट एकदम सही है, वही है, बहुत ही अमेजिंग है। हमने गुजरात में भी एक दो जगह पर ट्राई की थी, पर जैसी यहाँ पे रबड़ी मिलती है ना राजस्थान में, ऐसी वहाँ पे नहीं मिलती। बट फास्ट फूड की अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरिया है नाइट का, वो मुझे आई थिंक माउंट आबू में ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ शॉप ज़्यादा अच्छी थी, फूड के ऑप्शन भी ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे ठीक है, मतलब लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी थी, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, बट कंपेरेटिवली माउंट आबू का मार्केट ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे दूसरे टाइप की शॉप्स भी थी खाने पीने की, जब जगह बहुत बड़ी थी। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी कॉफ़ी वाली, कोल्ड कॉफ़ी वाली, वहाँ तक की है, मतलब 100-150 मीटर्स तक की है। माउंट आबू में बहुत बड़ा एरिया था। तो फाइनली पूरा फतेह सागर लेक मार्केट है, वो फूड का जो चौपाटी से बोलते हैं वो हमने घूम लिया, फूड हमें टेस्ट कर लिया, अच्छा लगा, मतलब ओके। आप रात को एक बार फास्ट फूड खाने का मन कर तो यहाँ पे आ सकते हो, वाइब्स है उसकी ले सकते हो। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं हमारी कार के पास और वहाँ से जाएंगे अपनी होटल, फिर हम सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह उठ के हमें जाना है, कौन सी बाहुबली हिल्स पे जाना है, और भी काफ़ी सारा जैम पैक्ड प्लान है कल का। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर ये वीडियो को पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग लाइव हो उदयपुर का उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। आई विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, और डू सब्सक्राइब गाइस, डू सब्सक्राइब।